तो गाइस स्टेडियम एचएमपी के एपिसोड 10 में जैसे कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट भाई मेरे को अपने सीक्रेट बेस पे लेके जाती है और वहां पे जाने के बाद मैं उनसे कई सवाल जवाब करता हूं एंड मेरे को कई चीजें जानने को मिलती है। अब अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा है तो आपको सब कुछ पता होगा। खैर इसके बाद तभी खबर आती है कि किंग डेडलॉर्ड की सिटी पे हमला हो चुका है। अब हमारे यूनिवर्स का डेडलॉर्ड एक एंटिटी है लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक स्टेडियम एचएमपी का डेडलॉर्ड एक किंग है और उसकी सिटी पर सुप्रीम बोगीमैन हमला कर देता है जिसका इंतजार सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा टाइम कर रही थी। खैर इसके बाद सुप्रीम हीरो ब्राइन और मैं जाते हैं सुप्रीम बोगीमैन का सामना करने और वहां पे हमारी मुलाकात होती है किंग डेडलॉर्ड से और उसके बाद आती है माइनक्राफ्ट की वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस बैटल सुप्रीम हीरो ब्राइन और सुप्रीम बोगीमैन की तरफ से। अब हम बोगीमैन को ट्रैप कर ही चुके थे लेकिन इन द एंड वो वहां से निकल जाता है। अब गाइस इससे पहले हम आज के इस वाले कमाल के एपिसोड की तरफ आगे बढ़े, आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो। इस वाली वीडियो का लाइक हमें 55,000 लाइक्स, जितनी जल्दी आप लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दोगे उतनी जल्दी वाला एपिसोड आ जाएगा। एंड गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना और बेल के आइकन कॉल पे कर देना एंड शेयर कर देना इस वाली वीडियो को अपने माइनक्राफ्ट वाले दोस्तों के साथ जिससे कि आने वाली टेडियस एमपीस की थ्योरी आप सभी डिस्कस कर सको। सो गाइस इसी के साथ चलते हैं आज के इस वाली कमाल की वीडियो की। अरे सुप्रीम हीरो ब्रेन तुम यहां पे क्यों ले आए? हमने इतनी मुश्किल से सुप्रीम बोगीमैन को कैप्चर किया था और तुम यहां पे ले आए, हुआ क्या? कुछ तो बताओगे, क्या हुआ? व्हाट क्या ये गाइस, ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। और एक सेकंड, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मेरे को लगा मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन बात क्या कर रहे हैं ये भाई? मेरे को तो इनकी बातें भी समझ में नहीं आती भाई। ऑलमोस्ट हमने सुप्रीम बोगीमैन को कैप्चर कर लिया था एंड सुप्रीम हीरो ब्रेन इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन एंड टाइम पे वो बाहर निकल गया। भाई सुप्रीम हीरो ब्रेन क्या हुआ ये, हम यहाँ पे क्यों आए? हम दोबारा ट्राई कर सकते थे ना, बताओ तो क्या हुआ? एक सेकंड, कुछ पीछे है क्या? पीछे तो ओके, ये कुछ मेरे को कहना चाह रहा है भाई। एक तो मेरे को इसकी लैंग्वेज अभी सीखनी पड़ेगी। तो चलो गाइस सुप्रीम हीरो ब्राइन मेरे को जो कहना चाह रहा है वो मैं इससे पूछता हूँ एंड मिलता हूँ आपको। तो चलो गाइस मेरी सुप्रीम हीरो ब्राइन से बात हो चुकी है एंड सुप्रीम हीरो ब्राइन ने मेरे को बताया कि हमने सुप्रीम बोगीमैन को ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था और सुप्रीम हीरो ब्राइन ने उसको 90% ठीक कर भी दिया था लेकिन एंड टाइम पे भाई वो निकल जाता है उससे एंड दैट्स व्हाई यहां पर हमको भागना पड़ा क्योंकि निकलते ही वो हम पे बुरी तरह हमला करता। लेकिन भाई उस हमले को देख के मेरे को एक चीज समझ में आ गई, मतलब सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा था कि क्या ही बताऊं। लेकिन हाँ किंग डेडलॉर्ड, मैंने तुम्हें बहुत हल्के में लिया लेकिन तुम्हारे पास भी कुछ जादुई शक्तियां हैं। तुम दोनों ने पता नहीं कुछ जादुई वोंड वगैरह निकाली थी, उससे हमने कैप्चर कर तो लिया था। अच्छा सुप्रीम हीरो ब्रेन मेरे को एक बात बताओ, जिस तरीके से तुम अभी उसको ठीक कर रहे थे यही तरीका है बस उसको ठीक करने का, यही तरीका है? ओके तो अब इस तरीके के बारे में तो उसको पता चल चुका है लेकिन तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन मिले, हमको उसी तरीके से उसको ठीक करना पड़ेगा। और एक सेकंड मेरे दिमाग में अब भी एक चीज आई, सुप्रीम हीरो ब्रेन मेरे को ये बताओ कि क्या इस वर्ल्ड में फिनिशर नाम से एक सोर्ड एग्जिस्ट करती है? क्योंकि मैंने अपने वर्ल्ड में जब बोगीमैन को मारा था तो मैंने फिनिशर सोर्ड से मारा था, तो इस यूनिवर्स में कुछ फिनिशर सोर्ड है क्या? व्हाट, ये मेरे को मार क्यों रहा है? ये मार क्यों रहा है मेरे को? ओके 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 समझ गया समझ गया। ओके मैं उसको मारने के लिए नहीं कह रहा, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। मेरे को पता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे मारना नहीं चाहते, तुम उसे ठीक करना चाहते हो, बट एग्जिस्ट करती है फिनिशर सोर्ड? ओके मतलब कि तुम उसको मार नहीं सकते। ओके हमारे पास ये और प्रॉब्लम है कि हम उसे मार नहीं सकते, तो अब क्या करें? कुछ तो सोचना पड़ेगा हमको। ओ मेरे को एक और चीज पूछनी थी कि क्या इस वर्ल्ड में डेमन एम्परर एग्जिस्ट करता है? करता है? यार मैं अगर टाइम मिला तो मैं इस वर्ल्ड के डेमन एम्परर को जरूर देखना चाहूंगा। और ओके हाँ मैं समझ गया यहाँ पे हम काम से आए हैं और सुप्रीम बोगीमैन कभी भी आ सकता है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। अब उसको हमारे प्लान के बारे में भी पता चल चुका है सुप्रीम बोगीमैन को कि हम उसको कैसे ठीक करने वाले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं अब? मैंने लेकिन पता है क्या, सुप्रीम हीरो ब्राइन और किंग डेडलॉर्ड, मैंने एक चीज ध्यान दी, जब हम अलग हुए थे ना तो मैं और किंग डेडलॉर्ड साथ में भागे थे ठीक है, और तुम अलग गए थे तो वो तुम्हारी जगह हम दोनों के पीछे आया था और वो अधिकतर मेरे पे ही अटैक कर रहा था। शायद मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ, दैट्स व्हाई उसको कुछ मेरे में सस्पिशियस लगा होगा या कुछ लगा होगा, वो मेरे ही पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। तो मेरे हिसाब से अगर वो वापस आने वाला होगा यहाँ पे हम पे हमला करने तो वो मेरे ही पीछे पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो हम इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले ना हम उसको सिटी से कहीं दूर लेके जाएंगे। तो मेरे दिमाग में कमाल का प्लान है, ध्यान से सुना, सिटी से बाहर निकलने का जो भी रास्ता है ना
तुम उस पर थोड़ी सी रोशनी कर देना, जिससे कि मेरे को रास्ता पता चलता जाएगा कि मेरे को किस किस रास्ते को फॉलो करना है, और उसी रास्ते को फॉलो करके सबसे पहले मैं उसको सिटी से बाहर लेके जाऊंगा किसी ऐसी जगह पे जहां पर तबाही हो भी तो फर्क ना पड़े सिटी को, ठीक है। और वहां पे ले जाने के बाद तुम दोनों छुपे हुए रहना, उसका पूरा ध्यान मेरे ऊपर रहेगा, और वो जैसे ही मेरे पे अटैक करने वाला हो तुम दोनों अपनी अपनी जादुई वॉन्ड निकालना और उसको फिर से कैप्चर करके, और इस बार सुप्रीम हीरो ब्राइड उसको पिछली बार से और ज्यादा मतलब थोड़ा डैमेज वगैरह देना या फिर जो भी करना, क्योंकि पिछली बार वो इतनी जल्दी होश में आ गया था, तो ठीक है समझ गया ना तुम, ठीक है सेम वही चीज रहेगी। और मेरे हिसाब से तुम्हारे पास जो वॉन्ड है तुम उससे किसी को भी फ्रीज कर सकते हो, है ना क्योंकि मैंने जब तुम बैटल कर रहे थे तो मैंने देखा था तुम फ्रीज कर रहे थे और सुप्रीम हीरो ब्राइन उसको मार रहा था। तो एक काम करते हैं, जैसे मैं उसको वहां तक लेके आऊंगा ना, तुम सबसे पहले उसको फ्रीज कर देना, और उसके बाद तभी हीरो ब्राइन तुम निकलना और अपनी बॉन्ड की मदद से उस पे मतलब वही तबाही करना जो तुमने वहां पे कर रहे थे, ठीक है समझ गए ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, फिलहाल के लिए वो पता नहीं कब तक आएगा, तो तुम दोनों जाओ कहीं पे छुप जाओ। ओके 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 किंग रेड लॉर्ड यहाँ पे एंटिटी नहीं है, तो इसलिए वो पैदल जा रहा है छुपने उस जगह पे, और सुप्रीम हीरो ब्राइन गायब हो चुका है। तो गाइस जस्ट आप मेरे को यहाँ पे खड़े होके बूगी मैन के आने का वेट करना, वो मेरे को ट्रैक करते करते यहाँ पे आ ही जाएगा। तो यस वेट करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और कहीं यार वो मेरे को मारना थे, बट अगर उसको मारना ही होता तो वो पिछली बार मेरे को मार चुका होता, बट सुप्रीम हीरो ब्राइन का दिया हुआ मेरे पास इफेक्ट है, तो दैट्स व्हाई मैं शायद ही मरूंगा, बट लेट्स सी क्या होता है। तो जस्ट आप मेरे को वेट करना जब तक कि सुप्रीम बूगी मैन नहीं आ जाता। सुप्रीम बूगी मैन अगर तुम मेरे को सुन सकते हो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे, आ जाओ दम है तो आओ। भाई वो मेरे हिसाब से अभी के लिए थोड़ा मतलब अपने आप को तैयार कर रहा होगा, और गाइस हमारा कहीं प्लान फेल ना हो जाए यार, वो कभी किंग डेड लॉर्ड का पीछा करते हुए उसकी तरफ ना चले जाए और पता चले मैं इधर चिल्लाता ही रह जाऊं। सुप्रीम बूगी मैन इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भाई मैं बोल तो बहुत रहा हूँ बट पता नहीं वो यहाँ पे आएगा कि नहीं, तो चलो गाइस वेट कर लेते हैं हम। गाइस काफी ज्यादा देर हो चुकी है बट उसका कुछ अता पता नहीं है। ओ एक सेकंड भाई ये तो आ गया, नहीं यस यही तो प्लान था। भाई जल्दी भागता हूँ, ओके ये मेरे पीछे आ रहा है ये, शेट मेरे को नहीं पता कि सिटी से निकलने का रास्ता कितनी ज्यादा दूर जाके है, मैं तो पूछना ही भूल गया उनसे, किंग डेड लॉर्ड शिट, मेरे को थोड़ा बच के चलना पड़ेगा, नहीं शिट ओ माय गॉड। ओके यहाँ पे लाइट किस साइड है, इस साइड ज्यादा लग रही है तो इस साइड चलता हूँ। ओके लेट्स गो, भाई ये गाइस मेरे को देखो इसकी लेजर का इतना कुछ खास डैमेज नहीं हो रहा है क्योंकि हीरो ब्राइन का दिया हुआ मेरे पास इफेक्ट है, बट मेरे को किसी तरीके से इसको सिटी के बाहर लेके जाना है। और गाइस मेरे को लगा ही था जब वहां पर इसने किंग डैड लॉर्ड और मेरे पीछे आया था ना, तो ये मेरे को ही अधिकतर लेजर मार रहा था, तो मेरे को पता था इस बार भी ये मेरे पीछे आएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सस्पिशियस हूं और इसने मेरे को आज से पहले इस यूनिवर्स में देखा ही नहीं है, तो ये मेरे ही पीछे आएगा मेरे को पता था, और ये आ भी गया। भाई अब जस्ट मेरे को इससे वेट करना है। भाई यार किंग डैड लॉर्ड की कितनी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है यार, शिट सुप्रीम बूगी मैन याद करो, तुम ये पता नहीं किसी और के कंट्रोल में हो, याद करो तुम्हारे दोस्त सुप्रीम हीरो ब्राइन सुप्रीम एंटिटी, याद करो उनके बारे में, याद करो सुप्रीम ऋषभ और सुप्रीम अलेक्सा तो रहे नहीं, उनके बारे में सोचो यार, ये सुनने को तैयार नहीं है भाई, शिट यार। ओके तो मैं अभी के लिए तो ठीक ठाक रोशनी की तरफ ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, भाई सिटी का रास्ता कितनी दूर हो रहा है। भाई ये अभी के लिए ये सोच रहा हूँ कि मेरी लेजर वाली पावर से कुछ हो क्यों नहीं रहा, व्हाट भाई लेट्स गो। नहीं 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 ये लेजर के अलावा मेरे को और किसी भी चीज से मार तो सकता है बट मार नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई, क्या पता ये भी देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। ओके बट इसमें तो मेरा ही फायदा है भाई, ओके इसके लेजर से तो भाई मैं कई बार बच रहा हूँ, मैं जिगल दे के चल रहा हूँ बट कहाँ तक ही बचूंगा भाई, कहाँ पे, ओके वहाँ पे रोशनी जा रही है, ओके मेरे को वहाँ पे जाना फटाफट, लेट्स गो। गाइज मेरे को ना हीरो ब्राइन से और भी इफेक्ट्स ले लेने चाहिए थे, लाइक तेज भागने का ये सारी चीजें, बट मेरे दिमाग में आया ही नहीं तब। ओके रोशनी किस साइड है, इस साइड भी जा रही है, इस साइड भी कहाँ पे जाऊँ, इस साइड चलता हूँ, ओके आगे जाके उधर अंधेरा है तो इधर ही जाना होगा, प्लीज यही सही रास्ता हो वरना वो दोनों इंतजार करते रह जाएंगे। भाई रोशनी किस साइड है, इस साइड है, और भाई पीछे क्या था भाई, मच गई वॉट, चलो 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 भाई। ओके ओके तो मेरे हिसाब से मैं सिटी से बाहर आ चुका हूँ ऑलमोस्ट, और रोशनी सही फॉलो करते हुए आया हूँ मैं। भाई उसने आगे देख सकते हो कितनी ज्यादा आग लगा दी यार, नहीं शिट ऑलमोस्ट मैं आ चुका हूँ सिटी के बाहर।
भाई किंग डेडलॉर्ड और सुप्रीम हीरो ब्रेन पता नहीं कहाँ छुपे हुए होंगे। भाई रोशनी यहीं पे आके खत्म हो रही है और सामने की तरफ पानी ही पानी है। भाई उनको यहीं होना चाहिए था बट वो है नहीं यहाँ पे। नहीं यार सुप्रीम हीरो ब्रेन और किंग डेडलॉर्ड क्या प्लान है तुम्हारा? मैं ले तो आया इसे। वेट वो मेरे को कहीं पे भी दिख नहीं रहे हैं। एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा रोकने की कोशिश करता हूँ। हेलो सुप्रीम बुगी मैन, सुप्रीम बुगी मैन रुको रुको मैं इसके आगे मुंह नीचे करके खड़ा हो जाता हूँ। जस्ट प्लीज प्लीज रुको प्लीज प्लीज। भाई यार ये तो सुनने को राजी नहीं है। भाई एक सेकंड मैं तुम्हारे आगे हार मानता हूँ। सुनो सुप्रीम बुक मैन एक बार मेरी बात सुनो। भाई मैं इसके आगे मुंह नीचे करके खड़ा हूँ बट ये ओके शांत हुआ क्या? यस शांत हो गया। ओके तो सुप्रीम बुक मैन देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है ठीक है। मेरी बात सुन लो एक बार, अपने दोस्तों के बारे में याद करो यार सुप्रीम ऋषभ। नहीं यार ये जैसे ही उनका नाम लेता हूँ भाई गुस्सा हो जाता है। किसी ने भाई बहुत बुरा हिप्नोटाइज किया इसे। शिट क्या लेजर मार रहा है ये। व्हाट भाई प्लीज शांत हो जाए यार। भाई ये दोनों कहाँ रह गए यार मेरे को यहाँ पे छोड़। एक सेकंड अब लेजर नहीं आ रही। ओ ये क्या चल रहा है भाई? किंग डेडलॉर्ड और सुप्रीम हीरो ब्रेन आ गए। व्हाट भाई यहाँ पर बीम मारी जा रही है सुप्रीम बुगी मैन पे। किंग डेडलॉर्ड का है ये किंग डेडलॉर्ड। ओके किंग डेडलॉर्ड ने उसको पकड़ के रख रखा है एक जगह पर और सुप्रीम हीरो ब्रेन उसको बीम मार के थोड़ा कमजोर कर रहा है। भाई बीम रोक दिया। ओ ये नीचे गिरा इसको डैमेज हुआ। सुप्रीम किंग डेडलॉर्ड ने फिर से पकड़ लिया। व्हाट यहाँ पे अब बिग एक्सप्लोजन होने वाला है जैसे कि पहली बार हुआ था। नहीं मैं थोड़ा दूर रहता हूँ प्लीज डैमेज। ओ भाई साहब भाई फिर से वापिस से भाई किंग डेडलॉर्ड ने उसको पकड़ के रख रखा है और फिर से उसको बिग एक्सप्लोजन मारा जा रहा है। भाई माय गॉड फिर से पकड़ के रख रखा है। ओके दोबारा से बिग एक्सप्लोजन। भाई उसको कमजोर करना पड़ेगा पहले क्योंकि आपको पता होगा सुप्रीम बुगी मैन बहुत ज्यादा पावरफुल है बहुत बहुत ज्यादा। ओके किंग डेडलॉर्ड आगे जा रहा है फिर से पकड़ के रखा एंड फिर से भाई ओ भाई कितना ज्यादा पावरफुल है इसने। इतने सारे भाई एक्सप्लोजन झेल लिया बुगी मैन ने फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। भाई कितना ज्यादा पावरफुल है ये बंदा। इसको मारना पॉसिबल भी है या फिर नहीं? व्हाट दोबारा से? ओके तो यहाँ पे किंग डेडलॉर्ड ने इसको पकड़ रखा है और व्हाट भाई किंग डेडलॉर्ड उसको शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ओ ये क्या हुआ? व्हाट किंग डेडलॉर्ड ने उसको उठा के कहीं पे फेंक दिया। भाई ये कहीं पे जा रहे हैं। सुप्रीम हीरो ब्रेन भी कहीं पे चला गया। मैं किंग डेडलॉर्ड के साथ चलता हूँ भाई उसके पीछे पीछे। उसने अपनी इस जादुई छड़ी की मदद से बुगी मैन को कहीं भाई फेंक दिया उठाकर। भाई साहब बंदा कितना पावरफुल है ये सुप्रीम बुगी मैन। मरने का नाम भाई इतने में तो पता नहीं कौन कौन से एंटिटी मर जाते बट इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। माय गॉड किंग डेडलॉर्ड कहीं पे भाग के जा रहा है। ओके चलो मैं गाइस फटाफट इसका पीछा करता हूँ। ओके तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं और एक सेकंड भाई सुप्रीम हीरो ब्रेन बुगी मैन पे इतना कुछ मार रहा है और किंग डेडलॉर्ड ने यहाँ से उसको एक ही जगह पे पकड़ के रखा हुआ है। व्हाट वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। भाई वो कुछ कर ही नहीं पा रहा लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी। भाई ये बंदा कितना पावरफुल है ये सुप्रीम बुगी मैन। भाई इसको डैमेज तो पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके तो अब इसपे ओके तो इसपे वापस से वही बिग एक्सप्लोजन क्या जा रहा है। ये बंदा कितना ज्यादा बिग एक्सप्लोजन झेल रहा है भाई। ओके तो यहाँ पे किंग डेडलॉर्ड ने उसको पकड़ रखा है जिससे वो वहां से हिल ही नहीं पा रहा। भाई फिर से भाई साहब ये चल क्या रहा है? ओके भाई इस बार होगा बहुत तगड़ा। भाई साहब अभी भी इसको कुछ नहीं हुआ। इसको हवा में रोक के रख रखा है। ओ ये गिरा। भाई साहब ओ माय गॉड अपना सुप्रीम हीरो ब्रेन का है। भाई ये हवा में खड़ा होके वापस से उसके ऊपर एक्सप्लोजन किया जा रहा है पर उस बंदे को कुछ हो ही नहीं रहा। कहां गया ये रहा। ओके भाई मानना पड़ेगा इन दोनों की जोड़ी। एक किंग डेडलॉर्ड उसको पकड़ के रखते हैं और यहाँ पे सुप्रीम हीरो ब्रेन इस पे भाई इतने बड़े बड़े धमाके कर रहा है फिर भी उसको कुछ नहीं हो रहा। भाई धमाकों पे धमाके बट इसको कुछ हो ही नहीं रहा यार सुप्रीम हीरो ब्रेन और किंग डेडलॉर्ड। अगर ये इस बार भी बच के निकल गया तो ओके भाई नहीं। व्हाट भाई नहीं यार मेरे को लग नहीं रहा कि इस बार भी हमारा प्लान फेल होगा। भाई ये बंदा यार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और एक सेकंड ये किंग डेडलॉर्ड ओ भाई इसको वापस से ट्रैप कर लिया। प्लीज इस बार निकल के ना भाग जाइए। ये सुप्रीम हीरो ब्रेन ये क्या बना रहा है? व्हाट ये क्या बना रहा है? ये भाई ये क्या बना है इसने? ये चारों तरफ कुछ ऐसे बना रहा है। व्हाट वो ये है क्या भाई किंग डेडलॉर्ड ये क्या है? ये यहाँ पे खड़े होकर देख रहा है। ओके मैं इसके अंदर जाने की कोशिश कर सकता हूँ। ओ ये मैं जा नहीं पा रहा इसके अंदर। भाई मैं अंदर नहीं जा पा रहा। व्हाट भाई मेरे हिसाब से मैं समझ गया डेडलॉर्ड किंग डेडलॉर्ड ये कुछ लेयर्स वगैरह ना शील्ड वगैरह है कि हम अंदर ना जा पाए और वो भी बाहर निकल ना पाए है ना।
भाई अब मेरे को समझ में आ गया, सुपरहीरो हीरो ब्राइन उसको अंदर ट्रैप करके अब ठीक करेगा, जिससे कि वो अगर उससे बाहर भी निकल गया तो भाग नहीं पाएगा। भाई साहब ओके, और वैसे भी खाने का कोई काम तो है नहीं। ओके मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ बट लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। भाई प्लीज यार इस बार काम कर जाए, और मैं यहाँ से जितना देख सकता हूँ सुप्रीम हीरो ब्राइन उसको ठीक करने की कोशिश कर तो रहा है। व्हाट क्या हो गया? ओ ये किंग डेडलॉर्ड मेरे को कहीं लेके जा रहा है। व्हाट कहीं है मेरे को यहाँ से दूर लेके जा रहा है शायद, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है खतरा, इसलिए मेरे को दूर लेके जा रहा है। ओके क्या करना है? ओके ये किंग डेडलॉर्ड मेरे को कहीं दूर लेके जा रहा है। मेरे हिसाब से गाइस इस बार हमारा काम बन जाना चाहिए, क्योंकि हमने इस बार बूगीमैन को ट्रैप भी कर दिया है और उसके चारों तरफ सुप्रीम हीरो ब्राइन ने शील्ड भी बना दिया जिससे कि वो निकल के ना भाग सके। ओके तो यहाँ पे जस्ट ओके किंग डेडलॉर्ड ने बोला यहाँ पे खड़े रहना हमको जब तक कि कुछ हो नहीं जाता, क्योंकि गाइस मैं तो नॉर्मल प्लेयर हूँ, अगर वो बूगीमैन बाहर निकला तो इस बार पता नहीं क्या करेगा। सो दैट्स व्हाई किंग डेडलॉर्ड मेरे को कहीं पे दूर ले आया है, और जस्ट अब हम वेट कर लेते हैं जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। होप सो भाई प्लीज इस बार ठीक हो जाए सब कुछ। ओ एक सेकंड किंग डेडलॉर्ड वहां पे देखो, वहां पे फिर से कुछ हो रहा है। व्हाट फिर से कहीं वो बाहर तो नहीं निकल गया यार? इस बार नहीं यार भाई, वो हर बार कैसे भाई, कितना पावरफुल है ये, क्या करके मानेगा? किंग डेडलॉर्ड ध्यान से एक सेकंड, यहाँ पे सिर्फ हीरो ब्राइन ही खड़ा है। सुप्रीम हीरो ब्राइन क्या हुआ, कहाँ गया वो सुप्रीम बूगीमैन? व्हाट भाग गया क्या वो इस बार फिर से? ओ तुम्हारे पीछे सुप्रीम हीरो ब्राइन, तुम्हारे पीछे। एक सेकंड व्हाट, ये कुछ कर नहीं रहा, तुमने क्या ठीक कर दिया इसको? ठीक कर दिया? Yes, finally, mission successful. भाई, mission successful, सुप्रीम हीरो ब्राइन इसको मार रहा है। Okay, तो guys, ये मुंह नीचे करके किंग डेडलॉर्ड से मैं भी सॉरी बोल रहा है, सुप्रीम हीरो ब्राइन से भी सॉरी बोल रहा है। हेलो सुप्रीम बूगीमैन, तुमसे डर तो बहुत लग रहा है मेरे को। सुप्रीम बूगीमैन हेलो, भाई ये अभी आपस में कुछ बात कर रहे हैं लगता है, मेरे से बात नहीं कर रहा अभी बूगीमैन। अच्छा बूगीमैन शायद मेरे बारे में पूछ रहा था उससे। ओके शायद सुप्रीम हीरो ब्राइन सब कुछ बता रहा है मेरे बारे में, शायद सुप्रीम हीरो ब्राइन सब कुछ समझा रहा है बुगीमैन को कि क्या क्या हुआ उसके हिप्नोटाइज होने के बाद में। तो बुगीमैन ठीक है, ये मेरे सामने आके कूद रहा है। ठीक है तो देखो गाइस अब सब कुछ ठीक हो चुका है, फाइनली सुप्रीम हीरो ब्राइन तैयार हो अपने सुप्रीम गैंग को बताने के लिए कि बुगीमैन फिर से तुम्हारी गैंग में वापस आ चुका है। एंड किंग डेडलॉर्ड भाई तुम्हारी सिटी तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बट मेरे हिसाब से तुम इसको ज्यादा ठीक कर लोगे क्योंकि तुम्हारे पास इतने फ्यूचरिस्टिक वो है। एंड बुगीमैन अभी भी सॉरी बोल रहा है किंग डेडलॉर्ड से, और मेरे हिसाब से किंग डेडलॉर्ड ने बुगीमैन को माफ कर दिया क्योंकि किंग डेडलॉर्ड को भी पता था कि सुप्रीम बुगीमैन अपने कंट्रोल में नहीं था। ठीक है तो फिर गाइज मेरे पास बहुत कम टाइम है, तुम्हें तो पता ही है मेरी एसएमपी में पता नहीं क्या हो रहा होगा, तो एक काम करते हैं हीरो ब्राइन चलो फटाफट अब लेके चलो, और किंग डेडलॉर्ड आपकी सिटी अब आपको मुबारक, बस यहाँ पे थोड़ी तबाही मच चुकी है इसको ठीक कर लेना। एंड सुप्रीम हीरो ब्राइन चलो फटाफट लेके चलो मेरे को वापिस से। यस फाइनली गाइज हम वापिस आ गए। एक सेकंड बाकी के बंदे कहाँ? सुप्रीम हीरो ब्राइन तुम लोग आ गए? यस और देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर कहाँ गए सुप्रीम बूगीमैन? यस तुम्हारा दोस्त वापिस आ चुका है, ये ठीक हो गया। यस कैसा लग रहा है फिर सुप्रीम पांडा सुप्रीम टेडी? भाई बहुत सही लग रहा है भाई, कितने टाइम बाद मिले हमारे दोस्त से। यस तो गाइस अब देखो जैसे कि हमारी बात हुई थी पांडा मेरी जैसे कि तुमसे बात हुई थी कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो बदले में तुम मेरी एसएमपी को आके बचाओगे, तो प्लीज चलो जल्दी चलते हैं मेरे पास, वैसे ही मैंने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, पता नहीं हमारी टेडी एसएमपी में क्या क्या चल रहा होगा। लेकिन टेडी मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जिस बंदे ने सुप्रीम बूगीमैन को वश में किया था हमको उसके बारे में पता भी लगाना है एंड उसको खत्म भी करना है कुछ भी करके, तो आई डोंट थिंक सो कि हम तुम्हारी हेल्प करने आ पाएंगे, हमने ऑलरेडी तुमको पहले ही बता दिया था ये चीज। हाँ तुमने बताया तो था बट इस चीज में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है अभी के लिए, तो कोई भी अंदाजा नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, हमको सुप्रीम बूगीमैन से पूछना भी पड़ेगा कि वो कौन है क्या है, हमको सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो तुम थोड़ी देर बाहर खड़े रह सकते हो? ओके मतलब तुम टीम मीटिंग करने वाले हो? हाँ ठीक है तो फिर मैं बाहर जाके वेट करता हूँ। ओके तो गाइज मेरे पास ज्यादा टाइम, प्लीज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी डिसीजन होगा जल्दी बताना। ठीक है तो गाइज चलो यार अभी के लिए मैं वेट कर लेता हूँ, उनकी टीम मीटिंग चल रही है, मेरे हिसाब से टीम मीटिंग में वो वही चीज डिस्कस करने वाले हैं, लाइक सुप्रीम बूगीमैन के साथ ऐसे किसने किया, वो एंटिटी कौन है सुप्रीम ऋषभ और एलेक्सा को उसने कैसे मारा, ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली है। तो यस वेट करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो यस वेट कर लेते हैं, देन इसके बाद जैसे वो हमको बुलाएंगे हम चलेंगे। ओह चलो टैडी तुमको थोड़ी बहुत बातें बतानी है, आ जाओ। ओके सुप्रीम पांडे आ चुका है, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई। ओके चलो फिर चलते हैं फटाफट गाइस, इनकी मीटिंग खत्म हो चुकी है और पता नहीं ये मेरे को क्या बातें बताने वाले हैं, लेट्स सी। हाँ तो बताओ क्या बात है, तुम चल रहे हो मेरी मदद करने, क्या डिसाइड करा? तो देखो अभी के लिए हमको बहुत टाइम लगेगा उस एंटिटी को ढूंढने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, तो अभी के लिए तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते।
अरे यार नहीं नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ यहाँ पे और तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। ठीक है तो सुप्रीम पांडा, मेरे पास एक और चीज है बोलने के लिए, फिर अगर ऐसी बात है तो। हाँ ठीक है बताओ। मेरे दो क्वेश्चन है, प्लीज उसका आंसर करना। पहला, तो अगर तुम उस एंटिटी को जल्द से जल्द मार सकते हो, क्योंकि अब तो तुम्हारी टीम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा वापस आ चुका है, तो तुम उसे मार के हमारी टेड एसएमपी में आ सकते हो हमारी मदद करने। हमारी अर्थ का नंबर तो तुम्हें पता ही है। हाँ ये कर सकते हैं, जब हम उन एंटिटी को पकड़ लेंगे ना, उसके बाद हम सब तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारी अर्थ पे आ जाएंगे। ओके हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और सेकंड चीज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो एंटिटी कौन है जिसने बूगी मैन को हिप्नोटाइज कर दिया था? प्लीज देखो, मैं वैसे भी कुछ नहीं करूंगा, मेरे जाने का टाइम हो चुका है, मैं आप कहीं और जाऊंगा मदद मांगने, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार तो मेरे को दिखा दो कि वो एंटिटी कौन है। सुप्रीम बूगी मैन दिखा दो। ओके ओके, तो गाइस यहाँ पे देखता हूँ ये कौन है, एंड एक सेकेंड, ये इसकी आंखें रेड है और शरीर पूरा ब्लैक है। वॉट, इसका नाम क्या है? इसका नाम माइटी नल है। ओ ये नल है, नल ने सुप्रीम बूगी मैन को हिप्नोटाइज करके अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम कितने टाइम में इसको कर सकते हो? बट जो भी वो टाइम हो, प्लीज जो भी करना जल्दी करना सुप्रीम बूगी मैन प्लीज। हाँ, और सुप्रीम एंटिटी हीरो ब्राइन टेडी पांडा, देखो प्लीज मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए, तो जो भी करना जल्दी करना। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और हमारी एसएमपी बहुत बड़े खतरे में है। ठीक है तो मैं चलता हूँ, तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा बहुत ज्यादा, और अपने एंटिटी को मार के हमारी अर्थ पे जरूर आना। ठीक है, वहाँ पे मिलेंगे हम। हाँ डन है, हम हो सके उतना जल्दी मिलते हैं। ठीक है चलो गाइस, बाय बाय बाय। मल्टीवर्स गोट, अगर तुम मेरे को सुन सकते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्लान बी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं बना तो मेरे को किसी दूसरे यूनिवर्स की टेड एसएमपी पे भेज दो प्लीज। अरे भाई अब ये कहाँ गया मैं, और ये कैसी जगह है?